डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डबवाली उपमंडल के एक गांव से है, जहां पर डबवाली महिला थाना पुलिस ने सदर थाना के अंतर्गत आने वाले गांव के एक स्कूल के डीपीई पर नाबालिग बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में केस दर्ज किया है और आरोप है कि लंबे वक्त से छात्राओं का शारीरिक तौर पर जो शोषण होता था और आखिरकार उन बहादुर बेटियों ने साहस किया और स्कूल जो प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद हरकत में आए विभाग ने पुलिस को सूचित किया और अब महिला पुलिस ने उस आरोपी डीपी के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का केस है वो दर्ज किया है। तो एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं जो कि एक बार फिर से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो तार तार हुआ है। लेकिन ये पूरा मामला डबवाली के एक गांव का है, क्योंकि मीडिया एथिक्स के मुताबिक आपको उस बारे में पहचान नहीं बताई जा सकती। लेकिन आप इस खबर को देखकर जागरूकता जरूर फैलाइएगा और खुद भी जागरूक होइए, और अगर कहीं भी बच्चों का अगर यौन शोषण हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आप आवाज़ जरूर उठाइएगा। ग्रामीणों और तमाम अभिभावकों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की अपील की है और आज पुलिस के समक्ष तमाम जो ग्रामीण वहां पर एकजुट हुए, इस बारे में निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया और एक कमेटी बनाने पर भी चर्चा की गई है, ताकि फ्यूचर में भी वो कमेटी स्कूल में जाकर बच्चों के ऊपर देख रेख रख सके, ताकि आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पीड़ित छात्राओं ने साहस करके स्कूल प्रबंधन को इस बारे में जानकारी दी थी और डीपी पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस सहित जो शिक्षा विभाग है उसने इस मामले पर जो कार्रवाई शुरू की है, पॉक्सो एक्ट के तहत ये जो पूरा मामला है वो दर्ज किया गया है। तो एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं जो कि हैरान करने वाली ये घटना है, जहां पर एक आरोपी डीपीई की तरफ से जो स्कूली छात्राओं को खेल के बहाने प्रताड़ित किया जाता था, उनका यौन शोषण किया जाता था और ये लंबे वक्त से हो रहा था, क्योंकि हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि इस आरोपी की ये आदतें आज से नहीं बल्कि काफ़ी पुरानी है। इससे पहले भी वो कई ऐसे विवादों में घिरा रहा है, लेकिन इस बार इन छात्राओं ने साहस करते हुए स्कूल मुखिया को पूरी रिपोर्ट दी और इस स्कूल मुखिया ने जो आगे रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाई है। और तेज राणा के साथ बातचीत में जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले की जानकारी जो पुलिस की रिपोर्ट एफआईआर कॉपी है वो एलिमेंट्री जो विभाग के डायरेक्टर हैं उनको फॉरवर्ड की गई है, ताकि आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सके और इस पूरे मामले में जो शिक्षा विभाग भी सजग हो गया है और जो चाइल्ड जो पूरी एक विभाग है उसकी ओर से इस पूरे मामले पर लगातार जो नज़र बनाकर रखी जा रही है। तो ये पूरा मामला हम आपको डबवाली मंडल के गांव का बता रहे हैं, जहां पर ये एक डीपी की तरफ से बच्चों को यौन उत्पीड़न करने के जो आरोप लगे हैं और ये जो आरोप है उन छात्राओं ने लगाए हैं, जिनका कहना है कि उन्हें खेल के दौरान उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार के साथ साथ उनको शारीरिक तौर पर ब्लैकमेल किया जाता था। खेल के बहाने, समझाने के बहाने गलत नीयत के साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ जाता था। और उधर उक्त छात्राओं के अलावा कुछ अन्य छात्राओं ने भी इस पूरी बात को जो स्कूल प्रबंधन के सामने रखा है और उत्पीड़न मामलों के समाधान के लिए एक कमेटी बनाएगी। इस कमेटी के समक्ष उनके बयान दर्ज किए गए, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी कमेटी की जब पहले दिन की जांच थी उसमें वो आरोपी डीपीवी वहां पर मौजूद था, उसने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, मुझे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने जब गहनता से जांच की, जिसमें डबवाली से महिला जो थाना प्रभारी है सीमा सोडी, उन्होंने भी हमारे साथ बातचीत में बताया कि इस पूरे मामले में बेहद पेचीदा और काफ़ी गंभीर मामला है, जिसमें हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल जो उन बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का जो मामला था उसमें केस दर्ज किया गया, अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज, हरियाणा।